गाइस, आई एम स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइट वंडर। सो एवरीवन, अभी मैं जा रही हूँ दर्शन को स्कूल ड्रॉप करने और उधर से मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है जो कि आज मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूँगी, जो हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। पर्सनली मैं सोच रही थी, आज मेरे हस्बैंड को पता चला है तो मुझे वो काम करना है, तो मैं आपको साथ में लिए चलूँगी और बताऊँगी कि वो काम क्या है। सो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ दर्शन को स्कूल छोड़ने के बाद। मैं जहाँ गई थी, मैं आपके साथ उसे शेयर करूँगी। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था जाना वहाँ पर, और मैं किस काम के लिए गई थी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में मैंने देखा कि ग्वाले ने गाड़ी लगा दी है, तो मैंने दूध भी ले लिया है। एंड ये जो विज़िट था मेरा, वो बेसिकली दर्शन के लिए था एंड दर्शिल के भविष्य से संबंधित है कुछ, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा चिंता में हूँ। और आप अपने वीडियोस में मेरे फेस के एक्सप्रेशंस को देख रहे होंगे, मतलब मैं चिंता फेस पर क्या जाहिर करूँ, लेकिन मन ही मन काफ़ी ज़्यादा चिंता चल रही है इस बात को लेकर के। तो चलिए, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ सो दैट कि आप समझ पाओ कि बींग अ मॉम इज़ नॉट सो ईजी। बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है, और आजकल के ज़माने में जब कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हर चीज़ के लिए कंपटीशन है। घरेलू लेवल पर है, सोशल लेवल पर है, बच्चे के एजुकेशनल लेवल पर है, एवरीथिंग। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी, और बाद बाकी सारी चीज़ें भी। सो एवरीवन, अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं कहाँ गई थी, और मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली कभी भी मुझे बाहर, घर के बाहर कुछ काम होता है, तो मैं दर्शिल को सबसे पहले स्कूल ड्रॉप करती हूँ, और स्कूल ड्रॉप करने के बाद ही मैं वो काम करती हूँ। दर्शिल को लेकर के मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। कारण ये है कि दर्शिल काफ़ी ज़्यादा शरारती है, रोड्स बिजी हैं, तो ऐसे में मैं टाइम वही चुनती हूँ जिसमें दर्शिल स्कूल में होता है, फिर मैं उस काम को करती हूँ, फिर अगेन मैं दर्शिल को लेने जाती हूँ स्कूल में। खैर, ये काम जल्दी हो गया, मैं घर पर आ चुकी हूँ ना। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं दर्शिल के लिए अदर स्कूल्स एक्सप्लोर करने गई थी। जी हाँ, जो प्लस टू लेवल के स्कूल है, प्लस टू तक क्लासेस देते हैं, उन स्कूल्स को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। एंड मैं अभी दो स्कूल्स विज़िट करके आई हूँ, और इससे पहले मैंने एक स्कूल को विज़िट करा है, एक स्कूल मेरे हस्बैंड ने विज़िट करा है। तो बात यह है कि यूरो किड्स बहुत ही अच्छा स्कूल है, दर्शिल इसमें जाता है, लेकिन अभी प्ले ग्रुप में जाता है। एंड मुझे कुछ जो इसके बारे में ड्रॉबैक लगा, वो ये लगा कि इसमें हिंदी की पढ़ाई नहीं होती है। हिंदी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट हियर। आई डोंट नो कि अपर क्लासेस में हो सकता है, लाइक नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में हो सकता है, बट अभी कखा गखा वगैरह नहीं सिखाया जा रहा है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि नहीं, हिंदी से इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं होना चाहिए बच्चों को। ठीक है, आपका इंटरनेशनल सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया में आने के बाद चीज़ें भारतीय स्वरूप में एक्सेप्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। अगर ये सिलेबस आया भी, तो आपको एक बुक तो कम से कम रिकमेंड करना चाहिए था, तो वो नहीं मिला। और दूसरी बात है कि बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने से रिलेटेड, ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब दर्शिल की एनर्जी को सही डायरेक्शन में लाना होगा, एक डिसिप्लिन तरीके से उसे आगे बढ़ाना होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करा था। तो इसलिए मैं स्कूल्स देखने गई थी, दो स्कूल मैंने विज़िट करे, और मुझे बुरा ये लग रहा है कि अभी मैं जिस स्कूल से होकर के आ रही हूँ ना, फर्स्ट जो स्कूल मैंने विज़िट करा, वो इस टाउन का ICIC बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है, जो कि मैं चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए। और उसका फर्स्ट राउंड का फॉर्म निकल चुका है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। ये फॉर्म अभी से 25 दिन के अप्रॉक्स पहले निकला था, एंड मुझे मालूम नहीं था, और मैंने नहीं लिया था फॉर्म। और अभी मैं गई तो फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप नंबर ले जाओ, एडमिशन हो जाएंगे उसके 5 दिन के बाद। मतलब उन्होंने एक डेट दिया है कि आप ऐसे फ़ोन करना और एक बार पता करना, सेकेंड राउंड का फॉर्म भी निकलेगा अगर सीट वैकेंट होंगे तो। तो ये थोड़ा सा मुझे रिलैक्स लगा है, लेकिन मैं फिर भी बहुत उदास हूँ कि मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट क्यों नहीं किया। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक लौता स्कूल है,
अच्छी बात नहीं है, सॉरी, सबसे बुरी बात है। इस शहर की इकलौता स्कूल है ये, जिसमें ICIC बोर्ड है। अदरवाइज सारे स्कूल्स बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छे हैं अपनी जगह पर, लेकिन CBSE है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि CBSE बोर्ड रहे, मैं चाहती हूँ कि ICIC रहे। क्योंकि अगर हम CBSE ICIC को कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, या आपको भी ऐसा लगता होगा, कि ICIC के जो सिलेबस होते हैं ना, वो हार्ड होते हैं। लेकिन जब शुरुआत से ही बच्चों को उस स्कूल में डाला जाता है ना, तो बच्चे उसे खुद को मतलब मैनेज कर लेते हैं उस सिलेबस के हिसाब से, और थोड़े ज़्यादा मतलब ब्राइट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो मैं इसी स्कूल को चाह रही थी, हालांकि इसके बाद मैंने दूसरे भी स्कूल को विज़िट करा है, एंड इससे पहले मैंने एक और विज़िट किया था स्कूल, और मेरे हस्बैंड ने भी एक स्कूल विज़िट करा है। तो टोटल हमने 4 स्कूल्स देखे हैं इस शहर के। मैं आपको भी सारे फुटेज वगैरह दिखाऊंगी, कहीं कहीं पर मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स लिए, क्योंकि स्कूल मैं विज़िट करने गई थी, ब्लॉगिंग करने नहीं, थोड़ा सा मैंने आपके लिए किया है और टीचर्स से बात करे हैं। तो जिस स्कूल में मैं चाहती थी, उसका तो फॉर्म निकल चुका है, हालांकि नंबर मैं लेकर के आई हूँ। मैं कॉल करूँगी कुछ दिन बाद, पता चलेगा कि अगर वहाँ पर फॉर्म मिल रहे हैं तो मैं ज़रूर लूँगी। और मेरा मन है कि इसी स्कूल में हो। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है कि ये एक ही ऐसा स्कूल है जो ये बोर्ड दे रहा है। अगर दूसरे स्कूल होते तो मैं बिल्कुल वहाँ जाती। तो चलिए फटाफट से पहले स्कूल्स देख लेते हैं, कौन कौन से हैं, उनके फीचर्स देख लेते हैं। एंड हाँ, और जहाँ तक बात है यूरो किड्स की, ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा अगर बिगनर है, अगर वो स्कूल पहली बार जा रहा है, तो आप बिल्कुल चाहिए कि ऐसे स्कूल में अगर आप जाना चाहते हैं यूरो किड्स का, यहाँ का स्पेशली मैं आपको बताऊंगी, मैं दूसरे लोकेशन का नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप एक विश्वास के तहत उन्हें छोड़ सकते हैं अपने बच्चों को, बच्चे आपके अच्छे से लर्न करेंगे। और हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ के जो टीचर्स हैं, बड़े प्यार से बच्चों को संभालते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो दर्शन के लिए मैं ढूंढ रही हूँ, तो थोड़ा सा स्कूल हटके होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ कि मैं किन किन स्कूल्स में गई हूँ। एवरीवन, ये है सेंट पेसिल स्कूल, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस स्कूल है। ये ICSE बोर्ड से है, और ये है इसका पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ से ऑफिस एरिया है, एंड ये पूरा स्कूल है। स्कूल का कैंपस अंदर में काफ़ी बड़ा है, और मैं यहाँ पर गई थी। मैंने यहाँ पर जो ऑफिस के जो स्टाफ्स हैं, उनके साथ बातचीत करी, और उसके बाद मैंने कुछ टाइमिंग वगैरह, मुझे शेड्यूल चाहिए था ताकि मैं प्रिंसिपल से मीट कर सकूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी और कैप्चर करी। यहाँ नोटिस बोर्ड में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, ऑलरेडी फॉर्म निकल चुका है और सेकेंड राउंड का निकलने वाला है या क्या, सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई हैं अंदर का। ये आप देखिए, यहाँ पर पार्किंग एरिया है। तो ये स्कूल तो यहाँ का बेस्ट स्कूल है, मैं खुद चाहूँगी कि मेरा बच्चा यहाँ आए। और दूसरा ये है सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सामने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका भी कैंपस काफ़ी पहले से स्टार्ट होता है, तो मुझे तो लगा था कि बच्चे यहाँ तक आते आते ही परेशान हो जाएंगे, काफ़ी दूरी में ये स्कूल था। लेकिन सिंगल ओनर प्रॉपर्टी है, मतलब ये नहीं है, मिशन का स्कूल नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगता है, क्योंकि सिंगल ओनर रहता है, तो यहाँ मैनेजमेंट की थोड़ी गड़बड़ी मतलब होती है। ये यह है यहाँ का सिटी इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पर यूरो किड्स का दूसरा भी ब्रांच जो है, फ्रेंचाइजी है, जो यहीं सिचुएटेड है, लेकिन इसका जो लोकेशन है वो शहर के काफ़ी बाहर है, हाईवे के किनारे ये स्कूल है। आप देख सकते हो उधर हाईवे है, और ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया गया है। एंड ये ट्रस्ट का स्कूल है, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देखोगे राजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल स्कूल है। यहाँ बच्चों की दूसरी एक्टिविटीज लाइक स्केटिंग, डांसिंग एंड ऑल, यहाँ इन सारी चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है। सो एवरीवन, अभी आपने देखा कि मैंने आपके साथ 3 स्कूल्स जो है वो शेयर करे हैं। ये तीनों स्कूल मैंने खुद विजिट किए, और थोड़ा बहुत जो फुटेज मैंने वहाँ पर लिया वो आपके साथ शेयर करा। इसमें है सेंट बेसिल, जिसमें मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का एडमिशन हो, एंड दूसरा है सेंट जेवियर्स, जहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने गई थी स्पेशली बोर्ड के बारे में, एंड तीसरा है सिटी इंटरनेशनल स्कूल, जो यूरो किड्स का ही, यूरो किड्स का ब्रांच नहीं है, बट जो दूसरी फ्रेंचाइजी है यूरो किड्स की, वो इसी के कैंपस में सिचुएटेड है।
और जो ये स्कूल है वो ट्रस्ट का स्कूल है। एंड यहाँ पर जो अदर एक्टिविटीज़ होती है लाइक स्केटिंग, डांस, म्यूज़िक, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ये गौर करता है, तो ये भी अच्छा है। स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट जो है बच्चों की, कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स पर 60% तक, नॉट 50 और 20, इट्स अबाउट 60% तक डिपेंड करती है, क्योंकि बच्चे अपने माहौल से सीखते हैं। बच्चे कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट में सीखते हैं वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से कैच करते हैं। और अगर एजुकेशनली सेम चीज़ों को आप सिखाएं तो वो आपको लेबर भी ज़्यादा लगेगा, बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे भी नहीं, और भी कितनी जल्दी कैच करेंगे नहीं करेंगे ये भी एक होता है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। तो सिटी इंटरनेशनल स्कूल काफ़ी अच्छा है, कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं, आप अपने बच्चों को अलग से ये सारी चीज़ें कोर्स की तरह भी दे सकते हो, और साथ में सिलेबस में भी ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो खैर, बेसिल्स को छोड़ करके बाद बाकी दोनों CBSE ही हैं, और जो तीसरी जो स्कूल है, चौथी जो स्कूल है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है, ख़ासतौर से मेरे हस्बैंड के जो कलीग्स हैं उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो वो है सेंट जोसेफ स्कूल। तो मेरे हस्बैंड वहाँ गए थे और वहाँ से इवन फॉर्म भी लेकर के आए, एंड फॉर्म तो आ गया है, लेकिन उसमें दो तीन ड्रॉबैक ये आ रही है। पहला तो ये कि वो अगेन CBSE है, दूसरा जहाँ हम अभी रह रहे हैं वो हमारे रेजिडेंस से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इट्स 6.5 किलोमीटर, गूगल पे ये दिखा रहा है कि हमारे कॉलोनी से, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 7 किलोमीटर तक जा सकता है, तो एक छोटे बच्चे के लिए, 3 साल के बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा दूरी कहलाएगी। मैं नहीं चाहूँगी कि बच्चा जाए। एंड उसके बाद मैं बता दूँ कि बोर्ड भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है मुझे कहीं ना कहीं, एंड मैंने सोचा है कि मैं इंतज़ार करूँगी सेंट बेसिल का, इसका सेकेंड राउंड का फॉर्म आए, मैं पिकअप करूँ, देर आफ्टर टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होगा, बच्चे का भी इंटरव्यू होगा, बच्चा सब निकाल लेगा तभी जाके एडमिशन होगा। तो मैं इंतज़ार करूँगी, सेकेंड राउंड का फॉर्म आएगा तो मैं बिल्कुल वहाँ अटेम्प्ट करूँगी, वहाँ सबसे पहले मेरा चॉइस वही है। और अगर इस साल नहीं होता है तो भी मैंने सोचा है कि इस साल मैं यूरो किड्स में अगेन इसे जाने दूंगी, नेक्स्ट ईयर मैं जल्द से जल्द LKG के लिए वहाँ अप्रोच करूँगी, एंड वहाँ पर अगेन मैं इंटरव्यू दिलवाऊँगी, खुद का यानी कि पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होगा, एंड नेक्स्ट ईयर मैं अगेन चांस लूँगी, और उसके बाद ही मैं दूसरे किसी स्कूल में सोचूंगी अगर नहीं हुआ वहाँ तो। लेकिन भगवान ने साथ दिया और हमारा लेबर सही रहा एंड दशिल सारी चीज़ों को क्लियर किया, तो इसी साल एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेकेंड राउंड का फॉर्म आया तभी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो बैकअप तो सोच के चलना चाहिए, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वो है, उसके बाद ही मैं दूसरे स्कूल्स पर ध्यान दूंगी, अदर ये 3 स्कूल मैंने ऑप्शंस में रखे हैं। तो यही है एक चिंता का विषय, बच्चे प्ले के बाद जब बड़े होते हैं तो पेरेंट्स को इस बारे में सोचना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ जैसा मैं सोच रही हूँ आप भी वैसा सोचे, बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे मैं बताऊँ कि सेंट जोसेफ एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, यहाँ रिकमेंड किया जा रहा है, मुझे पर्सनली बोर्ड पसंद नहीं है, बट लोग तो रिकमेंड कर ही रहे हैं, बट मेरे रेसिडेंस से दूर है, तो कभी कभी ऐसा सिलेक्शन ना करें कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा दूरी वाले स्कूल में जाए अच्छे बोर्ड की तलाश में या अच्छे इन्वायरमेंट की तलाश में। अगर आप रेंटल हाउस में है तो इट्स फाइन, आप दूसरे जगह शिफ्ट करें, अगर आपका खुद का घर है आप नहीं शिफ्ट कर सकते तो कम से कम ही बच्चा बहुत छोटा है, ज़रूरी नहीं है कि नर्सरी में आप एडमिशन करा के फ्री होना चाहते हो, नहीं, बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अभी आप नज़दीकी स्कूलों में भेजें, देर आफ्टर वो बड़ा हो जाएगा तो फिर आप चांस लें, 5-6 में जब बच्चे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस लायक होते हैं कि वो बस से या वैन से स्कूल जा सके अकेले, तो पेरेंट्स की मतलब ज़रूरत ना हो सके, बच्चों के साथ जा सके तो इस लायक हो जाते हैं। तो ज़्यादा दूरी के स्कूल्स को नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि बच्चा जाने आने में ही परेशान होगा, और इवन जो पेरेंट्स भी होते हैं उन्हें समटाइम्स पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाना होता है, स्कूल के फंक्शंस वगैरह के लिए जाना होता है, फी कलेक्शन डेज पर जाना हो सकता है, तो पेरेंट्स के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा समस्या का विषय है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोच करके ही इंसान को एडमिशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो फिलहाल ये है मेरा कंडीशन और यही है मेरी चिंता की विषय।
ये चिंता का विषय है कि जो मैं चाह रही हूँ वो हो जाए, भगवान करे, कान्हा जी करे कि एडमिशन हो जाए इसी स्कूल में, और ये सेकेंड राउंड का जो फॉर्म आए बिल्कुल उसी में हो जाए। मैं तो यही चाह रही हूँ, आप लोग भी दुआ करिएगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।